मध्य प्रदेश के विदिशा जिले की सिरोंज लटेरी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में कांग्रेस पार्टी द्वारा अशोक त्यागी को अपना उम्मीदवार बनाया गया है। अशोक त्यागी को कांग्रेस का टिकट देने से क्षेत्रीय कांग्रेस कार्यकर्ताओं में बगावत फैल गई है। स्थानीय ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष अशोक यादव ने भी रोष व्यक्त किया है। ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्ष अंसार खान ने कहा है कि ये कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय, यदि पार्टी टिकट नहीं बदलती तो कई कार्यकर्ता इस्तीफा दे देंगे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि यदि टिकट नहीं बदला गया तो वे निर्दलीय के रूप में अपना उम्मीदवार विधानसभा में उतारेंगे। सूत्रों के मुताबिक ये भी बताया गया है कि नएपुरे में एक बैठक हुई जिसमें पूर्व मंत्री दिग्विजय सिंह के खिलाफ असंतोष व्यक्त किया गया। इस बैठक में सुरेंद्र उपाध्याय नगर एवं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष सहित क्षेत्र के दिग्गज कांग्रेसी नेता शामिल थे। सिरोंज लटेरी विधानसभा चुनाव में भाजपा के एक दर्जन नवयुवक कांग्रेस में शामिल हुए। नगर एवं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने मांग की है कि कांग्रेस का प्रत्याशी कमजोर है, इसको बदला जाए। देखिए खबर एसएस के लिए हमारे संवाददाता अशोक शर्मा की, लटेरी सिरोंज विधानसभा क्षेत्र से। खबर एसएस के लिए एक रिपोर्ट।